नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार की रात को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांदरबल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करने वाले मजदूर रात के वक्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक जो है लाइट चली गई। मजदूरों को ऐसा लगा कि किसी तकनीकी दिक्कत के कारण या किसी लोकल फॉल्ट के कारण लाइट चली गई है, लेकिन वास्तव में एक खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। और कुछ ही देर में गोलियों की जो है अंधाधुंध फायरिंग आतंकियों ने शुरू कर दी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तब तक 7 लाशें गिर चुकी थी और 5 अन्य मजदूर भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार बनी। सरकार बनने के बाद ये पहला हमला है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद इस सबसे बड़े आतंकी हमले में प्राथमिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का नाम सामने आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल में सोनमर्ग स्वास्थ्य रिजॉर्ट के पास मजदूरों के आवासीय शिविर पर यह आतंकी हमला किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की मौत होने की भी पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पिछले एक दशक में आतंकवादियों की मौजूदगी या तो बिल्कुल नहीं रही है या बहुत ही कम रही है। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि यह मजदूर श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर गगनगिर के पास मोड़ सुरंग का निर्माण कर रहे थे। घायल मजदूरों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 2 लोग आए थे, पहले उन्होंने बिजली काटी, फिर अचानक से उन्होंने गोलियां बरसाने शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये कर्मचारी बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू के हैं। उनमें से एक सुरक्षा प्रबंधन और एक मैकेनिक मैनेजर भी शामिल है। जो मृतक डॉक्टर है वो बताया जा रहा है कि वो मध्य कश्मीर के किसी गांव का निवासी था। घायल 5 श्रमिकों में से 2 कश्मीर के, 2 जम्मू और 1 बिहार का है। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर में इस साल जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं वह ज्यादातर जम्मू में हुए हैं, जबकि इस साल का यह पहला ऐसा वाकया है जो कश्मीर में हुआ है और यह बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब विकास की परियोजनाओं को आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की है, और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जो स्थानीय लोग थे और जो बाहरी लोग थे दोनों को टारगेट किया गया है। विकास परियोजनाओं में शामिल लोगों के हौसलों को तोड़ने की यह खौफनाक रणनीति अब आतंकी संगठन बना रहे हैं। टनल के पास ये जो आतंकी हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि यह जो रोड है ये ऑल वेदर रोड है, यानी कि इस रोड पे किसी भी मौसम में चला जा सकता है। और इस ऑल वेदर रोड का निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा है, और यह रोड जो है सीधे गांदरबल से सोनमर्ग और वहां से लेह को जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। गगनगीर हमले में घायलों की संख्या अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों तरह के लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल पूरी तरह से ठीक हो जाएं, जबकि गंभीर रूप से घायलों को SKIMS श्रीनगर भेजा जा रहा है। वहीं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगिरी में नागरिकों पर हुआ यह आतंकी हमला कायरतापूर्ण कृत्य है। इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारी सुरक्षा बलों की ओर से कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा। दुख की इस अत्यंत घड़ी में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो जैसा कि ये एक खबर है जम्मू कश्मीर की, जहां पे आतंकियों ने एक निर्ममतापूर्ण कायरतापूर्ण हत्या की है, जो मजदूर
विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और जहां घाटी में केंद्र सरकार लगातार शांति बहाल के प्रयास कर रही है वहां इस तरीके कायरतापूर्ण हमले की चारों तरफ से जो है निंदा की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या घाटी में शांति स्थापना को और कितने साल लगेंगे।